assalamu Alaikum dear students. Today we are going to complete the remaining part of yesterday's lecture about Papaji's mouth. For the rest of that day, Papaji sat in the veranda and stared stonely out at the ornamental garden, ignoring ignoring the plates of food that Kochu Maria brought him late at the night he went into his study and brought out his mahogany rocking chair he put it uh, down he he put it uh, uh, down in the middle of the driveway and smashed it into little bits with a plumber's monkey wrench he left it there in the moonlight हीप ऑफ वॉनिश विकल एंडलिडर वुड ही नेवर टच इड मामाची अगेन बट ही नेवर स्पोक लॉन्ग एज ही लेन ही नीडिड एनी थिंग ही कोचू मारिया और बेबी कोचामा एज इंटरडर्स तो उसके बाद जब चैकू ने उसके बेटे ने अपने बाप को रेड हैंड पकड़ा मामाची को मारते हुए तो उसने इस पीछे से हाथ पकड़ लिए और उसको धमकी दी कि आज के बाद वो मामा जी को पे हाथ भी नहीं लगाएगा तो पूरा दिन जो पापा जी था वो वरंडे पे बैठ गया और एक बुद्ध बने बैठा था जैसे मतलब बुद्ध की तरह एक जगह मतलब आ, 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 बुद्ध की तरह देखने लगा ना बात ना कुछ बस सिर्फ़ उस गार्डन की तरह देख रहा था बहुत ही गु़स्सा था तो उसको जब कोचू मर्या ने खाना लाया उसने वो बिल्कुल इग्नोर कर रहा था बिल्कुल नहीं खा रहा था के, शाम शाम के वक़्त जब वो स्टडी रूम में गया तो उसने क्या काम उस वहाँ की वहाँ पे जो उसकी फेवरेट चेयर थी रॉकिंग चेयर उसने उसको गुस्से से नीचे लाया वहाँ ड्राइवे ड्राइवे मीन्स मतलब वो रास्ता जो आंगन में गेट से अंदर मतलब मकान तक होता है वह उसी रास्ते पे उस चेयर को रखा और उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डाला तो किससे वो मंकी रेंज से रेंज से जो मतलब प्लंबर्स के पास होता है उसी से तो उसने जब आ, मतलब चांद की रोशनी में वो वहाँ पे एक आ, मतलब लकड़ी का ढेर लग रहा था वहाँ पे तो उसके बाद उसने मामा जी को हाथ भी कभी नहीं लगाया तो ना उसने मतलब जब जब जब, जब, जब तक जहाँ तक वो ज़िंदा था तब तक उसने उसके साथ मतलब बात भी नहीं की जब भी उसको कोई को, किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी पापा जी को वो को, कोचू मारिया को मतलब उसके बारे में आ, उसी को बीच में रखते हुए मतलब कुछ मांगता था अपनी वाइफ से डायरेक्ट बात नहीं कर इनडायरेक्टली वो कोचू मारिया को एज़ ए इंटरमीडिएट उसको रखता बिटवीन रखता था और उसी उसी को कुछ मांगने की कोशिश करता था ताकि उसकी वाइफ सुने evening in the evening when he uh, when the <coughs> in the evenings when he knew visitors were expected he would sit on the veranda and sew buttons that were not missing on his shirts to create the impression that Mamaji neglected him to some small to some small degree he did सक्सीड इन फर्दर करोडिंग आई मीन व्यू ऑफ वर्किंग वर्किंग शाम के वक़्त जब उसको लग रहा था कि अब विजिटर्स आने वाले हैं तो वो क्या करता था वो वरेंडा मतलब वहाँ पे जो कस्टमर्स जो मामा जी के पास मतलब अचार खरीदने आते थे वो वरेंडा पे बैठ जाता था और आ, कोशिश करता था वो बटन सीने की मतलब जो मिसिंग होता है असल में वो बटन उसको मतलब नहीं बटन इसको नहीं सीने थे आ, मतलब आ, लेकिन वो ये दिखाना चाहता था लोगों को वहाँ जो विज़िटर्स आते थे उनको ये दिखाना चाहता था कि उसकी जो पत्नी है मामा जी है वो उसको नेगलेक्ट कर रही हैं वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं वो कितनी केयरलेस है लोगों के दिलों में दिमाग में ये डाल रहा था कि अब देखो जो आईमीनियम के वाइव्स है वो अपने हस्बैंड्स का ख्याल नहीं लोगों को क्योंकि वो उस, आ, अपनी पत्नी का नाम खराब करना चाहता था कि जो कि बहुत ही फेमस हो चुकी थी अपने टैलेंट से ही बॉच द सिकाई ब्लू प्ले माउथ फ्रॉम एन ओल्डमैन इंग्लिशमैन इन मुनार ही बिकेम ए फेमिलियर साइट इन आईमीनियम posting importantly down the narrow road, road in his white car looking outwardly elegant but sweating freely inside his woolen suits he wouldn't allow mamma or anyone else in the family to use it और इवन टू सिट इन इट द प्ले माउथ वॉज पापा जीज रिवेंज तो उसने एक प्ले माउथ मतलब स्काई ब्लू प्ले माउथ एक कार खरीद ली थी मतलब जो ब्रेंड था एक अपने दोस्त से इंग्लिश में जो मुनार टाउन से तो ये ही बिकेम फेमिली सोसाइटी ने वो अपने आप को मतलब बहुत ही माने जा, जाने वाले मतलब दिखाना चाहता था मतलब बहुत ही फेमस दिखाना चाहता था आई के लोग क्योंकि उस टाइम मतलब कार होना किसी के पास कि मैं बहुत ही मतलब बहुत ही दिखावा करना चाहता था दिखावा करना चाहता था कोस्टिंग व डाउन द नैरो रोड इन द इन्हजार और फिर क्या करता था फिर अपने उस इलाके मतलब आमीनियम के इलाके में जाता था उस कार में उस कार में तो बाहर देखा था शाम मतलब वो बहुत ही सूट पहन के सूट बूट पहन के वो जाता था वोलू सूट पहन पहन के जाता था जिसमें वो बहुत ही एलिगेंट दिख रहा था अंदर से इसको कितना ही स्वेटिंग हो रही थी लेकिन बाहर से वो बहुत ही मतलब एक्चू दिख रहा था ही वुडेंट वो इस कार में बैठने के लिए किसी को मतलब अलाउ नहीं करता था ना मामा जी ना किसी और को और खुद ही बैठ जाता था और प्ले माउथ वो असली पापा जी का बदला था वो जो कार उसने खरीदी थी क्योंकि उसकी जो पत्नी थी मामा जी थी वो बहुत ही फेमस हो चुकी थी अब ये उसके जे, जय वो जेलस हो रहा था इसी उसने ये कार खरीदी ताकि मैं भी इसमें बहुत शानदार दिखूँ और लोगों को मैं दिखाऊँ कि मैं कितना मतलब एलिगेंट हूँ मैं कितना शानदार हूँ मैं कितना फेमस हूँ मैं कितना माना हुआ हूँ तो वो एक बदला था जो इसने ये कार वो अपनी पत्नी को दिखाने के लिए और उसको बदला लेने के लिए था क्योंकि वो बहुत फेमस उसने भी इसीलिए लाई पापा जी हैड बीन एन एमपीरियल एंटामोलॉजिस्ट एट द द्यूसा इंस्टीट्यूट ऑफ्टर इंडिपेंडेंस वैन द ब्रिटिश लेफ्ट हिज डिजिग्नेशन वॉज चेंज फ्राम इंपीरियल एंटामोल टू जॉइंट डायरेक्टर एंटामोजी द यर ही रिटायर्ड ही है डायरेक्टर जो पापा जी थे वो एक एम्पीरियल मतलब एंटोमोलॉजस्ट थे मतलब जब अंग्रेज की हुकूमत वगैरह थी प्यसा इंस्टीट्यूट में आज़ादी के बाद जब आ, ब्रिटिश चले गए तो उसकी जो डिजिग्नेशन वो तब्दील हुई इम्पीरियल एंटोमोलॉजस्ट से वो जॉइंट डायरेक्टर बन गए मतलब जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एंटोमोलॉजी दी he ही रिटायर ही है रेंक इक्वल जब जिस साल वो रिटायर हो गए उस साल वो मतलब आ, किस रैंक पे थे मतलब डायरेक्टर के रैंक पे इक्वलेंट टू डायरेक्टर के रैंक पे वो थे तो यहाँ पे मतलब जो भी वो मतलब जेलस था कि आ, अपनी बीवी को मतलब ये सब कुछ उसको अपने कि मैं एक ऑफ़र हूँ मैं एक ऑफ़िसर हूँ कि इसीलिए उसको अपने मतलब ये रैंक का बहुत ही आ, सो ईगो था कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ तो आ, उसको अपनी ये पत्नी की जो ये मशहूर थी जो वो फैमिलियर थी उसको ये बर्दाश्त नहीं होता था सो Thanks.